एवरीवन एंड स्वागत है आपका माय फेवरेट रागा के एक और सुरीले एपिसोड में मेरे यानी शिंजनी कुलकर्णी के साथ। कोई त्योहार हो या फसल की कटाई, बदलते मौसम हो या पिया से जुदाई, म्यूजिक हैज बीन अ कांस्टेंट कंपेनियन इन ऑल ओकेजंस ऑफ जॉय एंड सॉरो। व्हाइल सम ऑफ अस हैव फाउंड एन अंडरस्टैंडिंग पार्टनर इन इट, देयर आर अदर्स हु हैव डेडिकेटेड देयर एंटायर लाइफ टू म्यूजिक एंड इट्स साधना। माय फेवरेट रागा brings to you such music pioneers up close and personal. We see a never seen before shade of their personality. Continuing this journey of exploring music with the masters, main aa pahunchi hu Jaipur shahar. Aur jisse pehle ki main Jaipur shahar ke sangeet maharati se karu mulaqat, mera mood hai ki main paryatak banke kuch Jaipur darshan kar lu. Waise kya aapko pata hai कि जयपुर के रॉयल कोर्ट्स में कई महान कलाकारों को पेट्रनेज मिली है और ये उनकी म्यूजिकल जर्नी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं कि आज का पर्यटन कार्यक्रम शुरू करते हैं जयपुर के आमेर किले से। लेट्स गो। Very beginning, Rajasthan has been a symbol for Indian culture internationally. From the rustic folk tunes of the Manganiyars to the luxurious royal taste, there has been something that appeals to everyone. And the same is true for the music legend being featured in today's episode. He's international in the truest sense, and yet his music is deeply rooted in the Hindustani classical tradition. He's a creator, innovator, and his many experiments have enriched the Hindustani tradition. Jaipur shahar ki baat ho aur unka zikr na ho, ye to possible hi nahi hai. I'm 100% sure ki aap already jante hain main kin ki baat kar rahi hu. To chaliye chalte hain aur karte hain unse dher sari baatein aur poochte hain unse which is his favorite raga. जिस डेस्टिनेशन का मुझे बेसब्री से इंतजार था, हम वहां पहुंच ही गए हैं। आज मैं उन म्यूजिकल लेजेंड से मिलने आई हूं जिन्होंने ना सिर्फ कई रागों की रचना की है बल्कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को एक नया इंस्ट्रूमेंट भी प्रदान किया है, द मोहन वीणा।
Yes, you have guessed it right. I am talking about none other than the Grammy Award winner, Padma Bhushan, Pandit Vishwa Mohan Bhatt ji. चलते हैं अंदर and unravel करते हैं उनका एक never seen before personality side. पधारो हमारे देश, मोस्ट वेलकम. वाओ, व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज. वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर. क्या बात, जयपुर आना अब सार्थक हुआ जो आपके घर आ गए. वाह वाह वाह, जयपुर पिंक सिटी. तो कुछ देखा आपने? थोड़ा बहुत जयपुर घूम लिया है. आई मस्ट शॉप इफ आई एम हियर. वाओ, बट नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टिल नाउ. कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा. पंडित जी से बहुत इच्छा है मिलने की, घर पे हैं? यस, वेरी मच. तो जरा बुला सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली. आप जस्ट टेक अ लुक अराउंड. बिल्कुल. अरे नमस्कार पंडित जी, प्रणाम. कैसे हैं आप? क्या बात है, वाह वाह वाह, सो नाइस टू सी यू. आप हमारे शहर में, गुलाबी शहर जिसको हम कहते हैं कि गुलाबी नगर जयपुर राजस्थान में आप लोग पधारे हैं. लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा है कि आने वालों का हम स्वागत करते हैं. केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश. क्या बात, तो है? आपका बहुत बहुत स्वागत है. इससे ज़्यादा म्यूजिकल वेलकम तो कुछ हो ही नहीं सकता था पंडित जी. आई एम सो ऑनर्ड. बहुत शुक्रिया. 10 seconds into meeting the maestro and I already feel like royalty. पंडित जी के इतने बिजी स्केड्यूल में से दो पल फुर्सत के निकाल पाना सबके नसीब में नहीं होता. आई एम डेफिनेटली वेरी लकी एंड आई प्लान टू एंजॉय माई डे थरली विद हिम. चलिए, आपके साथ हम भी एंजॉय करेंगे. एंड थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. मैं तो बहुत छोटा सा एक कलाकार हूँ. आई एम नॉट दैट बिग एज यू आर पोर्ट्रेइंग मी. योर ह्यूमिलिटी स्पीक्स फॉर योर म्यूजिक. पंडित जी, इतने सुंदर शहर में हम हैं. आपने आने के साथ ही जो मेंशन भी किया, द पिंक सिटी जी, इस शहर के इतने रंग मैं देख रही हूँ जब से आई हूँ. वो खाना हो, वो यहाँ का पहनावा हो, यहाँ का म्यूजिक हो, सब में एक इतना खुशबू और इतने सुंदर रंग हैं. आपका इसमें से सबसे फेवरेट रंग कौन सा है? देखिए, राजस्थान यानी रेगिस्तान भी है, तो रेगिस्तान की एक ही कलर होती है, मिट्टी की कलर होती है. तो हमारे यहाँ जो चीज़ें बनती हैं वो इतनी कलरफुल बनाई हैं क्योंकि वो कंपनसेट करना होता है. इसलिए लाल, पीले, केसरिया, हर तरह के ब्राइट कलर को हम लोग यहाँ पे सुपर फाइन, जैसे गुजरात में भी जी बहुत अच्छी ड्रेसेस वगैरह और वो जो गहने बनाते हैं वो सब बहुत कलरफुल होते हैं. तो जयपुर हमारा है शहर, इसमें गुलाबी है तो मुझे गुलाबी कलर बहुत पसंद है. हाउ ब्यूटीफुल जी. पंडित जी, आपका बचपन यहीं राजस्थान में बीता है और आपने अपनी शुरुआती तालीम अपने फादर से ली है जी. ये जर्नी हमारे साथ शेयर करें कि राजस्थान का अपना जो फोक म्यूजिक है उसका ट्रेडिशन इतना स्ट्रांग है, और मैं जानना चाहती हूँ कि शुरुआती दौर में उसका भी कोई इन्फ्लुएंस आपके म्यूजिक में रहा? ये जो आप देख रही हैं छोटा सा घर है, उसमें एक रूम, जो फर्स्ट रूम है
वो हमारा मेरे पिताजी का म्यूज़िक रूम हुआ करता था, उसमें हारमोनियम, तबला, तानपुरा, सितार सब रखे रहते थे। वाह। और यहाँ पर एक संगीत का माहौल रहता था। मम्मी आके तानपुरा उठाती थी तो अपना रियाज शुरू करती, पिताजी आते तो हारमोनियम लेके अपना गाना शुरू करते, फिर उन्होंने स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू किया। तो स्टूडेंट्स को जब वो सिखाते थे तो कुछ स्टूडेंट्स अच्छे नहीं हुआ करते थे, जिनको हम बोलते ना कूड़ वैसे भी आते थे। तो हम उनको क्या है कि बार बार रिपीट करना पड़ता था, निशा गा मा पा निशा रे सा नि दा पा मा दा पा मा पा मा गा मा गा रे सा, अब वो क्या निशा गा मा क्या, इसके आगे क्या है गुरुजी, फिर वो कहते हैं निशा गा मा पा निशा रे सा नि दा पा मा दा पा मा पा मा गा मा गा रे सा, निशा गा मा पा निशा रे सा नि दा पा मा दा पा मा पा मा गा मा गा रे सा। अब उसको हमारे पिताजी ज़्यादा गाया करते थे, उनसे स्टूडेंट से ज़्यादा वो गायक थे। अब मैं इस रूम में हूँ तो मैं उनकी आवाज़ मेरे कानों में जाती रही, फिर मम्मी और ये सब लोग गाते रहते थे, अरे ये अली पिया बिन। तो मैं छोटा था तो मैं इसके साथ बड़ा होता गया और मुझे पता ही नहीं चला कि म्यूज़िक कब मेरे अंदर समा गया। और इसकी एक कहानी और भी मैं छोटी सी बताता हूँ। जी बिल्कुल। मेरी मम्मी जब मुझे एक्सपेक्ट कर रही थी तो उस समय वो एक म्यूज़िक के एग्ज़ाम में अपीयर हो रही थी, भातखंडे का एग्ज़ाम हुआ करता था संगीत विशारद का। शी वॉज़ द फर्स्ट लेडी हु क्वालिफाइड दिस डिग्री एंड, और उन्होंने राजस्थान में म्यूज़िक फॉर गर्ल्स वो उनकी देन है। wow. तो जो हमारे ट्रेडिशनल जो घर पे त्योहारों पे जो गाए बजाए जाते हैं छोटे छोटे गीत, वो हम बहुत बहुत चाव से अपने आप सुना करते थे। और हमारे एक त्यौहार होता है गणगौर, एक तो तीज होता है एक गणगौर होता है। तो गणगौर वो माता की सवारी निकलती है सिटी में और हमारे यहाँ गणगौर के गीत गाए जाते हैं, खेलन जो गणगौर भंवर मान, खेलन दो गणगौर हो जी मारी सात सहेलियाँ जो वे बाढ़। ये गीत तो बचपन से सुनता था मैं, ये तो रट गया। खेलते खेलते आ गया, पतंग उड़ा शौक है तो इधर आए साहब खाना खाने के, देखा तो म्यूज़िक चल रहा है इधर, तो वो सुनाई दे गया, फिर चले गए। इधर से आए तो क्रिकेट खेल के आ गए, इधर कैरम खेल के आ गए और फिर वापस से वही संगीत शुरू हो गया। वाह वाह। वैसे आपके ही जवाब में से मैं एक चीज़ पकड़ के आपको ज़रूर पूछना चाहती हूँ। आपने मेंशन किया कि पतंग खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, कैरम खेलते थे, तो क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे हैं? स्पोर्ट्स पर्सन मैं बस, मैं कैरम का मैं बहुत, मुझे एक टाइम पे जुनून सवार हो गया था। मैं पागलों की तरह खेलता ही रहता था। सचमुच? हाँ बहुत खेला मैंने। और मैंने, मुझे था कि मैं कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आऊँगा, जयपुर नंबर वन बनूंगा एक दिन। बहुत पहले आपने चैंपियनशिप खेली? जी जी। तो खैर ये तो पुरानी बातें हैं। क्या बात है, नहीं ये पुरानी बातें नहीं है, आज तो एक गेम कैरम का होगा ही होगा। जरूर जरूर। पंडित जी, आपने अपनी ट्रेनिंग जब यहाँ पे की उसके साथ साथ आप भारत रत्न पंडित रविशंकर जी से भी आपने ट्रेनिंग प्राप्त की और वो जर्नी राजस्थान से आपको सैन डिएगो ले गई, ये कैसे स्विच आया? आपने ये कब डिसाइड किया कि अब आई हैव टू फ्लाई, आई हैव टू टेक विंग्स? नहीं देखिए, गुरुजी यानी पंडित रविशंकर जी से हमारे परिवार का बहुत पुराना नाता था। मेरे बड़े भाई साहब शशि मोहन जी भट्ट जी, उनके फर्स्ट बैच के शागिर्द थे, तब से हमारे परिवार से उनका, क्योंकि एक जब गुरु हो जाता है तो वो पूरे परिवार का गुरु बन जाता है। 1983 में मुझे ऐसा लगा टू सरेंडर टू समबडी टू होम यू रियली रेस्पेक्ट इन योर लाइफ। 12 years आई वॉज परफॉर्मिंग ऑलरेडी, तो देन बट इन 1983 आई सेट कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बोले अरे क्या ज़रूरत है, यू आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश आर्टिस्ट। फिर हमारा वो गंडा बंधन हुआ अहमदाबाद में। वाह। तो उनके साथ मिलना जुलना, फ्लाइट में भी चल रहे हैं तो तकिटे घिन्नी तक धाती धा, तकिटे घिन्नी तक धाती धा, तकिटे घिन्नी तक धा, धिन दिन नाना, धिन दिन नाना, तिन तिन तक धिन दिन ना, तकिटे तक धिन्नी धाती धा, तकिटे तक धिन्नी धाती धा, तकिटे तक धिन्नी धाती धा। ये एक आ का चक्कर है। तो पहले उन्होंने कहा सम से चालू करो इसको, तो तकिटे तक धिन्नी धाती धा, तकिटे तक धिन्नी धाती धा, तकिटे तक धिन्नी धाती धा, यहाँ आ रहा है। मैं
अनागत थोड़ी देर तो मैं चक्कर खाता रहा, वो चक्कर देने में बड़े उस्ताद थे। गंडा बांधने के तुरंत बाद ही बोले, अब थोड़ा सा हम तालीम भी देंगे तुमको। बोले कि मेथी पालक चूका ये तीन बार बोलो तिहाई, और का पे समलाओ, और लाइए ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना मेथी पालक चूका मेथी पालक चूका मेथी पालक। भैया का पे लाओ। फिर इसकी तिहाई कैसे बनती है? तो फिर मेरा दिमाग चला, मैंने कहा इसको अनागत करता हूँ मैं, मतलब वो एक आधा मात्रा जी। तो मेथी पालक चूका मेथी पालक चूका मेथी पालक चूका, तो फिर का पे समय है, बोले अब ठीक है, आज तुम परीक्षा में पास हुए। सच फन एनेक्डोट्स नो, मैंने तो ये कहानियाँ कभी नहीं सुनी थी, एंड आई एम श्योर आपने भी कभी नहीं सुनी थी। और कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी बातें जो शायद पंडित जी ने भी कभी किसी के साथ शेयर नहीं की है। लेट्स ट्राई। एक चीज जो मेरे मन में कई बार आई कि आपने एक नए इंस्ट्रूमेंट का इजाद किया, मोहन वीणा, और ये एक स्लाइड गिटार का वेरिएशन है जिसको प्योरली हिंदुस्तानी क्लासिकल स्टाइल में आप बजाते हैं, तो आपके मन में क्या ऐसी फीलिंग आई, क्या आपको कोई रिक्वायरमेंट लगी जो कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट फुलफिल नहीं कर रहा था जी? जब आपने एक गिटार जिसमें 6 स्ट्रिंग्स होते हैं उससे 20 स्ट्रिंग्स के मोहन वीणा को क्रिएट किया। देखिए, एक तो ये होता है कि somebody has to do it, तो God chose me to do something। ये जो साज है स्लाइड, इसके लिए मैं शुरू से थोड़ा सा अट्रैक्शन था मेरा, एंड आई हर्ड पंडित ब्रिजभूषण काबरा जी, ही वॉज द फर्स्ट पायनियर हु ब्रॉट दिस इंस्ट्रूमेंट इन टू द सीनेरियो ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो उन्होंने चिकारी का स्ट्रिंग लगाया था और वो जो 6 तार होते हैं वो हटा दिए थे जी। और अलग तरीके से बनाया था, तो आई गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, एंड देन आई डिज़ाइंड ए न्यू इंस्ट्रूमेंट एंड आई एडेड 12 सिंपथेटिक स्ट्रिंग्स इन टू इट, और एक तुम्बा भी लगा दिया। That was my humble addition to that instrument. तो ये मोहन वीणा नाम, इसको जब लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा अब ये गिटार तो है नहीं, नाउ यू शुड नॉट कॉल इट गिटार, क्योंकि गिटार तो फिर वो मिसलीडिंग होता है कि वो 6 तार होगा और ऐसे बजेगा। बिल्कुल। तो आई वॉज लुकिंग फॉर सम इंस्ट्रूमेंट विच कैन इनकॉर्पोरेट द गायकी अंग एंड तंत्रकारी अंग बोथ, मतलब दोनों का समावेश हो जाए कुछ नया करने की। This is a closer contribution to Hindustani classical music. तो अगर मैं इसको कवर करूं, एक बार सम अप करूं, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है, कि जो स्ट्रोक है उससे आप उसका तंत्री अंग बजाते हैं, और जो स्लाइड है उससे आप गायकी अंग बजाते हैं, और दोनों को मिला करके फिर वो मोहन वीणा के फॉर्म में हमें सुनाई पड़ता। क्या बात है। तो वो जो रॉड है जो जिससे हम बजाते हैं उसकी भी एक कहानी है। 1967 एक मेरे पास में गिटार सीखने के लिए मेरे फादर से इधर ही आया था कोई, तो वो जब जा रही थी वापस तो हमने वो गिटार उनसे 25 रुपए में खरीदा था। 25 रुपए में सिर्फ। लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट वाज देयर एंड इट वाज लाइक अट्रैक्टिंग मी टू डू समथिंग ओवर इट, तो वो मैंने फिर वो हाथ में लिया, उसके तार हटा दिए, वो करके फिर खुद ही अपना पेचकस लेके कील लेके और अपना काम करता रहा धीरे धीरे। और ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये जैसे जो डोर्स होते हैं ना दरवाजे की जो सांकड़ है, वो एक सांकड़ पड़ी हुई थी जैसे कबाड़ सामान, और हमारे यहाँ कबाड़ी को सामान देने में बड़ी कंजूसी करते हैं लोग बाग कि पता नहीं क्या चीज़ कब काम आ जाए, वो पड़ी रहती थी। तो वो जो सांकड़ थी वो मैंने उठाई और उसका उसको कटवा लिया, तो कटवा के उसकी स्टील रॉड बनवा ली। वो अभी तक मेरे पास चल रही है, 1967 से मेरे पास में वो रॉड है, एंड इट हैज़ ट्रेवल्ड 85 कंट्रीज एंड गॉट मी ग्रैमी, पद्मभूषण, वो संगीत नाटक, तानसेन, वॉट एवर अवार्ड। तो मैं अब बहुत लकी हूँ और वो मेरी रॉड बहुत लकी है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज सच अ पीस ऑफ ट्रिविया जो आज हमें मिला है यहाँ पे। आई मस्ट टेल द ऑडियंस ऑल्सो कि एक मुझे दोहा याद आता है इससे कि मैं जंगल की लाकड़ी नहीं कहूँ है मोल, और अधर लपट घनश्याम की भई बहुत अनमोल।
तो वो जो कुंडी थी जो ऐसे ही वहाँ पे पड़ी हुई थी, उसका ऐसे भाग्य बदला जो वो आपके हाथ आई और अब वो आपके इंस्ट्रूमेंट का ऐसा अंग बन गई है। नहीं नहीं, आपने कितना अच्छा वो कवित्व बोला, और कवित्व तो आपके, मैं समझता हूँ आपके ब्लड में ही है, क्योंकि आप जिस खानदान को बिलोंग करती हैं, पंडित बिरजू महाराज जी की आप ग्रैंड डॉटर हैं, आपका बड़प्पन है। पंडित जी, इसी के कंटिन्यूएशन में एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहती हूँ कि साज के साथ साथ कई रागों का भी आपने आविष्कार और रचना की है, जिसमें से एक जो मेरे को सामने से सुनने का मौका भी मिला है वो है राग विश्वरंजनी। तो ये इसके पीछे सोच किस तरह से आती है? कभी रियाज करते वक्त बन गया? जिस दिन ये बना उसके पीछे की कोई कहानी हमें सुनाए ना। देखिए क्या होता है कि हमारे सिस्टम में इतने राग हैं ऑलरेडी कि देयर इज़ नो स्कोप फॉर एनी न्यू थिंग्स। अगर नया राग बनाना है तो वो दो रागों के कॉम्बिनेशन से ही संभव है। अब जी, तो मैंने भी एक, मुझे मधुवंती राग बहुत अच्छा लगता था और शिवरंजनी राग भी बहुत अच्छा लगता था, तो दोनों को मिला दिया और विश्वरंजनी नाम दे दिया उसको सर। और अभी रिसेंटली एक मैंने नया राग उसकी कल्पना की है, वो मालकोंस और चंद्रकोंस को बना के दोनों निषाद में उसमें किया। कुछ गुनगुनाने का स्कोप है? हाँ, तो ये राग जो मैंने बता रहा हूँ मालकोंस और चंद्रकोंस का जो एक मिश्रण है वो थोड़ा सा गुनगुना उसमें स ग म, यानी ग कोमल ध धा कोमल नी सा शुद्ध नी ग म ध नी सा, अब अवरोही में थोड़ी सी इसमें वो है पिच स नी स ग नी द ग म ध नी नी द स री, ये इस तरह से मैंने उसको किया। क्या बात है पंडित जी, दिल भरता ही नहीं है, बस आपको सुनने की ही इच्छा रहती है। अगर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आपसे करूं, क्या ये पॉसिबल है कि मैं कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट पे सुन पाऊं? ज़रूर, आप हमारी मेहमान हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर है, आइए मैं आपको लेके चलता हूं रूम पे। म्यूजिक रूम? म्यूजिक रूम। अरे वाह। आइए संजनी जी, हमारे म्यूजिक रूम में आपका स्वागत है, बैठिए। कितना सुंदर माहौल है इस म्यूजिक रूम का, वाह। वी आर राइट नाउ इन पंडित जी'स म्यूजिक रूम एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट विल वी हियर टुडे। इट्स स्पेशली वेरी वेरी एक्साइटिंग बिकॉज द थ्री जनरेशंस आर सिटिंग टुगेदर एंड डूइंग देयर म्यूजिक साधना। लेट्स हियर। ही इज माय सन सलील। आपसे तो मुलाकात मेरी शुरू में ही हो गई थी। मोस्ट वेलकम वंस अगेन। थैंक यू। ही इज सात्विक, द ग्रैंडसन। हाय सात्विक, नमस्ते। और इसी के नाम पे सात्विक वीणा रखा है। क्या बात है। तो ये तीन जनरेशन आपके समक्ष हैं। सात्विक, आई वांट टू नो फ्रॉम यू, यू हैव सच अ रिच लेगेसी, योर फादर एंड योर ग्रैंडफादर सच ग्रेट म्यूजिशियंस, डिड यू फील बर्डनड बाय द रिस्पांसिबिलिटी? No, not at all. Which is actually a reason why I have ventured into several other fields. I am primarily into filmmaking at the moment, and it was only because I am fortunate to be born in a family that didn't tell me about my future. They asked me, and at that point of time, I found my calling in media and technology. But that doesn't mean that I have discontinued music for sure. I'm coming back to it, and whenever my gurus tell me that I'm ready for the stage, that's exactly where you'll find me. जैसे दादाजी ने सपोर्ट किया है और बोला कि आप अपनी मर्जी से करें, पर घर का माहौल तो वही क्लासिकल का रहा है, म्यूजिक का रहा है, तो अनजाने में भी कई चीज़ें आपने सीख ली होंगी। जी जरूर। तो सबसे पहले म्यूजिकल टिप्स के लिए आप पापा के पास जाते हैं या दादाजी के पास? आई थिंक दादाजी के पास पहले जाता था। हाउ लवली। आप आज तीनों पीढ़ियों को साथ बैठे देख के इतना अच्छा लग रहा है और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है कि आज मुझे क्या सुनने को मिलेगा। पंडित जी, आज क्या सौभाग्य होगा मेरा, क्या सुनने को मिलेगा?
नहीं, हम लोग जब जिक्र कर रहे थे कि कुछ नया राग कुछ कल्पना की है, तो मैंने वो जो दो रागों का मिश्रण किया है, मधुवंती और शिवरंजनी, विश्वरंजनी नाम सलील ने सजेस्ट किया था, वही हम थोड़ा सा बजा देते हैं आपके सामने। क्या बात है, क्या बात है। जी सचमुच आई हैव गूज बम्स लिसनिंग टू दिस सब्लाइम म्यूजिक। वॉट बेटर डे कैन आई रियली हैव? पंडित जी इज कंपनी, इट्स डिवाइन म्यूजिक, द कंपनी ऑफ सच ग्रेट म्यूजिशियंस। लेट्स सी व्हाट मोर डू आई हैव इन स्टोर फॉर यू इन दिस सेगमेंट। आइए संजनी जी, आइए। पंडित जी, राजस्थान का खाना तो इतना फेमस है, इतनी वैरायटी है यहाँ पे। बिल्कुल। तो आपको मीठे में क्या पसंद है? वैसे मैंने सुना है कि आपको जलेबी पसंद है। आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। और जलेबी के अलावा राजस्थान के भी कुछ मिठाइयाँ हैं, जैसे कि एक घेवर होता है हमारे यहाँ, वो तीज और गणगौर पर होता है, और एक फीणी भी होती है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। फीणी मैंने नहीं चखी। और रसोई में तो मुझे बहुत ही पसंद है सब चीज़ें, खासकर मुझे आलू की सब्जी तोरें। आइए अपन देखते हैं क्या हो क्या रहा है। जी जी जी। आइए आइए आइए, मैंने कहा इनको दिखाई देते हैं कि क्या है। नमस्ते, नमस्ते। ये प्रीति मेरी पुत्र वधु, क्या पक रहा है साहब? आलू की सब्जी लग रही है। वाह वाह वाह। और सब बहुत बढ़िया, रायता बन रहा है, मिर्च की सब्जी बन रही है। अरे हमारे यहाँ जो राजस्थान की मिठाई का जिक्र मैं कर रहा था, वो देखिए ये है, इसको फीनी कहते हैं। ये फीनी है, ये मैं इतना सा चखती हूं। वाह वाह वाह, इससे छोटा और तो हो नहीं सकता शायद। पंडित जी, खाने पीने की तो बात हमने की, रिक्रिएशन के लिए क्या होता है जब म्यूजिक से कुछ ऑफ टाइम मिलता है? हाँ। तो फैमिली के साथ कैसे स्पेंड करते हैं? बस थोड़ा कभी कभी मूवीज देखते हैं, कैरम भी थोड़ा खेलते हैं, मेरा पुराना शौक। अरे वाह, तो आज थोड़ा खेलें कैरम फिर? जरूर, थोड़ी देर में बस शुरू करते हैं। आइए। जी आइए। वाह वाह वाह, कैरम जम रहा है, क्या हो रहा है? अरे वाह, यहाँ तो पूरा गेम जमा हुआ है। आ जाओ आप भी खेल लो, आप तो। चलो मैं तुमको हराता हूँ। देखो आओ इधर आओ। इनका तो महारत हासिल है कैरम और टेबल टेनिस में। क्या बात। नहीं नहीं, जस्ट जस्ट ऐसे शौकिया है। मतलब आपने पूछा था कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, तो हम ये करते रहते हैं बस थोड़ी देर। क्या बात। तो सौरभ भैया, आप? सौरभ इज ए म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर और साउंड इंजीनियर एंड एवरीथिंग ही इज डूइंग। मल्टी टैलेंटेड फैमिली है, मतलब कितने सारे डायमेंशंस हैं आपके फैमिली में। ये थोड़ा बहुत है, ये दोनों हैं। ही इज अथर, ही इज लाइक 14 इयर्स नाउ। हाय अथर। एंड ही इज विहान। हाय विहान। इज 7 इयर्स ओल्ड एंड बोथ ऑफ देम आर लर्निंग मोहन वीणा। बिल्कुल, ऐसे कहते हैं कि असल से ज्यादा सूत प्यारी होती है। तो आपको लगता है कि ग्रैंड चिल्ड्रन पे ज़्यादा प्यार है और आपके टाइम पे ज़्यादा डिसिप्लिनरी एक्शंस ज़्यादा लिए जाते थे? बिल्कुल, ये होता है डेफिनेटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। हाउ लवली, हाउ लवली। पंडित जी, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन हैविंग सच अ वंडरफुल फैमिली एंड ऑल ऑफ देम डूइंग सच वंडरफुल वर्क फॉर म्यूजिक। जी, सबसे बड़ी बात वही है कि म्यूजिक का जो है वो परंपरा कायम रहनी चाहिए, और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है ये कला, तो बस वही हम प्रयास करते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसको अपनाए, और ख़ासकर भारत के जो युवा हैं उनको ज़रूर ये समझना चाहिए कि हमारी कल्चर क्या है, हमारा शास्त्रीय संगीत का हक क्या है, उसको ज़रा तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल, उसी लाइट में हम सिखाते हैं इनको,
वो संस्कार डालने पड़ते हैं बच्चों में. Absolutely. जी. वैसे ये कैरम तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं खेल सकती. आप मुझे और घर का कोई कोना दिखाएंगे? आज मैं आपके साथ ही घूमने वाली हूँ. जरूर. थैंक यू. आई एम गोइंग टू स्टील पंडित जी अगेन फॉर अ लिटिल बिट. हम बाद में आएंगे. please, please, please. From being a foodie to being a carom champion, there's so much that I have discovered today about Panditji. And the more I get to know, the bigger fan I become of him. Let's hear a little more before we wind up. Panditji, itna aap travel karte hain, koi na koi to aisa vakya hua hoga, jisko yaad karke aaj bhi aapko hansi aa jati hai? Arey, bilkul. America mein ek mera program tha, to kya hua ki hamari flight delay ho gayi thi. अब ये हुआ कि साहब एयरपोर्ट से सीधा आपको ऑडिटोरियम में पहुंचना है, प्रोग्राम का टाइम हो रहा है जी. तो हम किस तरह से बस सामान रखा, चलो वहीं सब कुर्ता वर्ता बदलेंगे, ग्रीन रूम पहुंच जाने लगे तो एक हॉल था. उस हॉल के बाहर पार्किंग के लिए इतनी लंबी लाइन लग गई. वो जो ड्राइवर हमको कर रहे थे वो उनका कि हमको जाने दीजिए, बोले नहीं नहीं क्यों पे आओ. तो बोले कि साहब जिनका प्रोग्राम करने के लिए आप यहाँ इतना देर पहले आए हो वही पीछे खड़े. फिर उसने उसको रिले किया, उसने उसको रिले किया, इस तरह से हमको एक सेपरेट हाँ बनाया रास्ता. फिर हम मैं जाके स्टेज पे पहुँचा. वाह वाह. पर इतना हम जब ट्रैवल करते हैं तो आप तो वेजिटेरियन हैं, विदेश में कई बार आपको मुश्किल भी पड़ जाता होगा अपने लिए खाना वगैरह इंतज़ाम करने में? वो मैं थोड़ा वेल प्लानर हूँ तो मैं पहले से इन्फॉर्म कर देता हूँ कि तोरई की सब्जी, आलू की सब्जी, अरहर की दाल और गरम रोटी, ये मेरी वीकनेस है तीन. और घर में तो किचन आई एम श्योर पद्मा आंटी के हाथ में होता जी, होगा. जी जी, वो तो गृह लक्ष्मी है. क्या बात है. प्रणाम आंटी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ. और कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा. और आपके यहाँ आज पूरा दिन मैंने बिताया, इतनी मज़ेदार बातें मुझे पता चली पंडित जी के बारे में. पंडित जी, हमारे इस शो में हर आर्टिस्ट, हर माइस्ट्रो हमें बताता है विच इज़ हिज फेवरेट रागा. तो क्या मैं आपसे जान सकती हूँ कि विच इज़ योर फेवरेट रागा? देखिए, राग तो सब ऐसे हैं कि लगता है यही मेरा फेवरेट है. जो सुनता हूँ, जो बजाता हूँ, लगता है अरे ये तो मेरा फेवरेट राग है. क्योंकि इट्स लाइक यू नो योर ओन क्रिएशन. आप खुद बजा रहे हैं तो ऐसा लगेगा अरे ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है. बेस्ट किसको माने, ये बहुत मुश्किल काम होता है. वाह. पर आंटी, आपका तो कोई ऐसा फेवरेट रागा होगा जो आप सिर्फ पंडित जी से सुनना पसंद करती हैं? यमन सुनती है. यमन सुनती है. और वो क्या, सबसे पहले इन्होंने क्या सिखाया मुझे? मारवा. आपने सिखाया? वाह. वेरी डिफिकल्ट राग. हाउ लवली, हाउ लवली. पंडित जी, इस शो के एक सेगमेंट में आप हमें बताते हैं विच इज़ योर फेवरेट रागा और उसकी गहराई में हम जाते हैं. क्या आपने इसके लिए कोई खास प्रेपरेशन की है कि हमारे व्यूअर्स को भी ये जानकारी मिल सके और उन्हें समझ में आ सके? जी बिल्कुल. लेकिन ये आपको भेद जो है तभी खुलेगा आपके लिए जब ये एपिसोड देखेंगे. तब तक ये सीक्रेट है. तो तब तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा जी. तब तक आप चलिए. आपने मेरी ये रिक्वेस्ट तो डिनाई कर दी. मैं एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे करती हूँ कि हमें वो गाना बताएं जो आप कभी पद्मा आंटी के लिए गुनगुनाया करते थे. हम दोनों की पसंद का एक गाना है, ओपी नैयर का है जी, दीवाना हुआ बादल. दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई. दीवाना हुआ बादल, दीवाना हुआ बादल. क्या बात है. हाउ वंडरफुल पंडित जी. Finishing on this musical and nostalgic note, I have to tell you to stay on because the next segment is even more powerful. We will have the maestro of today sit with the superstars of tomorrow and discuss which is their favorite raga.
you're about to get some intricate details about Hindustani classical music and in-depth information on their favorite raga. So stay tuned. माई फेवरेट रागा बड़ा चैलेंजिंग विषय है ये कि जब एज अ सन एंड एज अ डिसाइपल मैं अपने गुरु अपने पिता पंडित विश्व मोहन भट्ट से उनके फेवरेट राग के बारे में चर्चा करूँगा। अब जब से मुझे ये पता पड़ा कि उनका फेवरेट राग क्या है तो उस राग के बारे में मैं भी बहुत ही सिंसियरिटी से और पूरी लगन से मैं उस राग के बारे में जानकारी में लेने में लग गया क्योंकि मुझे उनसे सवाल पूछने हैं तो मुझे खुद इतना वेल प्रिपेयर्ड रहना है और उनके लेवल के हिसाब से मुझे ये प्रश्न करने हैं। तो प्रयास मेरा पूरा है 100% है एंड आई एम लुकिंग रियली फॉरवर्ड कि माय फेवरेट रागा दूरदर्शन की ये अनोखी और अनूठी पहल और ये इंटरव्यू बहुत विशेष होने वाला है। भारतीय शास्त्रीय संगीत और उसका संसार रचा बसा है थाटों पे और थाट अर्थात स्वरों का एक पर्टिकुलर समुदाय एक समूह जहां से राग निकलते हैं और 10 प्रमुख थाटों में से आते हुए सैकड़ों राग हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत ही नहीं कर्नाटक संगीत की भी बैकबोन है ये उसका आधार है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में कि एज अ सन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित विश्व मोहन भट्ट मैं उनसे ये पूछूं कि आपका फेवरेट राग क्या है। तो दूरदर्शन के इस कार्यक्रम माय फेवरेट रागा में आइए हम पंडित जी से स्वयं जानने की कोशिश करते हैं कि उनका फेवरेट राग क्या है। पंडित जी प्रणाम। बहुत अच्छी बात है कि दूरदर्शन ने ये सीरीज शुरू की है माय फेवरेट राग क्योंकि हर कलाकार का कोई ना कोई एक फेवरेट राग होता है थाट होता है। मेरा जो प्रिय सबसे है थाट वो है भैरव भैरव थाट और भैरव से कई राग निकले हैं रामकली हैं कालिंगड़ा है जी फिर एक अहिर भैरव है फिर नट भैरव है उसमें से जो नट भैरव है वो मेरा खास प्रिय राग है। पंडित जी हमारे श्रोता हमारे दर्शक सभी मैं भी ये जानना चाहूँगा कि नट भैरव जो राग है उसकी ऐसी क्या विशेषताएं हैं और क्या ये भारतीय उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति और कर्नाटक पद्धति में ये क्या एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है इसके स्वर थोड़े से उस विस्तार से बताइए। हमारे यहाँ 10 थाट हैं ऐसे ही कर्नाटक शैली में बेहतर मेल करता राग है उनमें से एक राग है सरसांगी उसके ये स्वर हैं। तो जब हमारे हिंदुस्तानी शैली में इसको बजाते हैं तो सारे गामा शुद्ध हैं यानी रे शुद्ध है जबकि भैरव में कोमल होता भैरव है भैरव में तो रे और लेकिन और कोमल है। इसमें नट यानी पहले स्वर चार स्वरों में पूर्वांग में ये नट राग आता है और फिर जो उत्तरांग है पाधानीसा उसमें भैरव थाट भैरव के स्वर यानी कोमल ध्रीव बताते हैं जी। तो एक अजीब सी अनुभूति होती है इसमें जी और मुझे ऐसा फेवरेट क्यों है ये क्योंकि उसमें ऐसा आभास आता है कि सवेरा हो रहा है सूरज की किरणें फूटना शुरू हो गई हैं जी और एक माहौल जो है वो इससे दिव्य माहौल बन जाता है। ये एक बड़ा ऊर्जावान एक राग कहलाया या उसमें एनर्जी एक जो सुबह की एनर्जी सबसे फ्रेश जब हम उठते हैं सुबह बिल्कुल तो शायद ये बहुत ऊर्जावान एक राग है बहुत। और ये आपका फेवरेट कैसे हुआ आप अगर उस पर भी विस्तार करेंगे तो ये अच्छा
हमारे पंडित रविशंकर जी जो गुरु जी हैं उन्होंने इसको काफ़ी पॉपुलराइज किया जी, और इसमें स्कोप बहुत है क्योंकि इसमें एक तो संपूर्ण राग है, सारे गामा पधानी सा पूरा लगता है और अवरोही भी संपूर्ण है, तो जो संपूर्ण राग होते हैं उनमें अच्छा स्कोप रहता है और वैरायटी आती है, इसलिए मुझे ये राग बहुत प्रिय है। 7 स्वर हैं और ये राग दोनों पद्धतियों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल, ये दूसरे रागों से, भैरव के दूसरे प्रकार से ये किस प्रकार भिन्न हुआ, और ये नट जो अंग है उस पर नट अंग कुछ अगर आप बजा के बताएंगे और वो डिफरेंस कुछ क्लियर होगा। अब भैरव आ जाएगा, तो ये जो धैवत है ये आंदोरत है, आंदोरित बोलते हैं इसको, थोड़ा इसको मतलब आम भाषा में इसको हिलाया जाता है जी। एक तो खड़ा हुआ, ये खड़ा नोट है, ये सीधा है, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है। और सरसंगी राग में पूरा इसको संपूर्ण कर देते हैं जी। हमारे यहाँ इसकी ज्यादातर ऐसे बड़ा ऊर्जावान और एक एनर्जी जो जैसी हमने बातचीत करी। इस राग में कई बंदिशें आप बजाते हैं और विभिन्न तालों में, तो कुछ 3 ताल 1 ताल रूपक जो भी आपकी जो मनपसंद हो। माय फेवरेट राग है ये आपका नट भैरव, तो क्यों ना हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को वो भी सुनने का लाभ हो। 1 ताल में अगर कुछ एक बंदिश अगर आप सुनाएं तो। ताल की हुई, रूपक में भी हो सकती है जी जी, बहुत बहुत बड़ा आनंद अगर द्रुत 3 ताल की भी अगर आप एक कॉम्पोजिशन, एक बंदिश, एक गत अगर आप सुनाएं तो। थाट है वो है भैरव। भैरव, अब भैरव और नट भैरव में क्या फर्क है ये मैं थोड़ा सा बताता हूँ जी। कि भैरव में रे कोमल लगता है, मृधा कोमल,
ये भैरव थाट हो गया। में ऐसा ही एक राग जो है वो है अहीर भैरव। इसमें एक जो बड़ा डिफरेंस है आप हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए कि नट भैरव से अहीर भैरव में इसमें क्या अंतर है। जो नट भैरव का है उसी तरह से इसमें धा शुद्ध कर दिया जी और नी कोमल कर दिया। नी कोमल तो ये एक्सेप्शन भी हो गया। एक्सेप्शन है, रे कोमल है मैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये भैरव थाट को ही बिलोंग करता क्योंकि है क्योंकि रे कोमल लग रहा क्योंकि है क्योंकि रे कोमल हो गया। इसी से थोड़ा एक मिलता जुलता है भैरव से जी। ये रामकली है, रामकली, और इसमें कोमलनी भी लगता है और तीव्र मध्यम भी अपवाद के रूप में लगता है। कालिंगड़ा भी इसी का ही थाट का राग है। ये भैरव के ही स्वर है, ये कालिंगड़ा, ये कालिंगड़ा, तो इसके मुख्य राग जो थाट से निकले हैं वो इनमें। तो ये हमारे श्रोताओं और दर्शकों का और मेरा सौभाग्य है कि इतने कम समय में आपने भैरव थाट पे आधारित इतने सारे रागों का एक उदाहरण प्रस्तुत किया, साथ ही में नट भैरव जो आपका फेवरेट राग है, माय फेवरेट रागर्स में आपने वो भी बजाया। हमारे सामने एक बहुत ही विशेष ट्रॉफी रखी है, ये ग्रैमी अवार्ड है जो आपको वर्ष 1994 में मिला था। ग्रैमी अवार्ड विश्व का सर्वोच्च सांगीतिक सम्मान है और ये पंडित जी को मिला था उनकी रचना अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए। तो मैं दर्शकों को, श्रोताओं की तरफ से, अपनी तरफ से मैं ये आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्यों ना मीटिंग बाय द रिवर जिस पे आपको ग्रैमी मिला था उसकी एक छोटी सी हमें उसका थोड़ी सी एक में ग्लिम्प्स दिखाता हूं। छोटा सा उसका एक मीटिंग बाय द रिवर जी, मीटिंग बाय द रिवर। मैं आपसे इस विषय में भी एक जाते जाते एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हमारे हिंदी फिल्म जगत में रागों का प्रयोग किया जाता था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दिनों उसका प्रयोग कम देखने को मिल रहा है, लेकिन बीते जमाने में भारतीय शास्त्रीय रागों को लेकर गानों का कुछ बहुत ही अच्छा चलन हुआ करता था, गाने उस पर आधारित हुआ करते थे। तो थोड़ा उस पर प्रकाश डालें आप। शास्त्रीय संगीत का प्रयोग हमारी फिल्म्स में बहुत कम होता है क्योंकि स्कोप कम होता है, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ बनती हैं जिनमें उनका स्कोप ज़्यादा रहता है और पुराने जो
पुरानी जो फिल्में थी उनमें काफ़ी कुछ इन्होंने इस्तेमाल किए। जागो मोहन प्यारे एक गाना है, भैरव राग में है वो, टाइमलेस एवरग्रीन ये सॉन्ग है। एक दूसरा भी गाना है जी, मोहे भूल गए सांवरिया जी। वाह, अभी रिसेंटली एक मूवी में अहीर भैरव का एक फेमस जो छोटा ख्याल है, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला इतनी विशेष प्रस्तुति हुई है उसके लिए आपका साधुवाद। और हमारे श्रोताओं, हमारे दर्शकों को न सिर्फ आपके फेवरेट राग नटभैरव, क्योंकि ये कार्यक्रम है माय फेवरेट रागा, बिल्कुल, और उसमें न सिर्फ उन्हें नटभैरव बल्कि भैरव थाट और उस पर आधारित और भी कितने रागों के, फिल्म के गानों के भी उसमें आ गए। और आपके ग्रामी अवार्ड की जो कालजयी रचना है उसका भी आपने वादन करके हमारे श्रोताओं को और हमें अभिभूत किया है। इस कार्यक्रम की जो परंपरा है वो है कि सेलिब्रिटी आर्टिस्ट जो हैं वो याददाश्ती के लिए एक अपने एक साइन करते हैं रजिस्टर। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप कृपया पधारें और इस रजिस्टर पे साइन करें। जरूर जरूर, और मैं समझता हूँ कि ये जो हम अपने साइन कर रहे हैं इसको प्रिजर्व किया जाएगा, आने वाली जो जनरेशन है उसको ये सब पता होना चाहिए जी कि शास्त्रीय संगीत की परंपरा कितनी महान है और कितनी पुरानी परंपरा को कलाकार लोग निभाते चले आ रहे हैं। बड़ा ही आर्टिस्टिक आपका साइन, में देख रहा हूँ कि मोहन वीणा भी आपके साइन में दिखाई दे रही है, सुनाई भी दी और दिखाई भी दे रही है। तो माई फेवरेट रागा का एक ये बहुत ही सुखद क्षण है। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।